हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे TTML सेल के शेयर के बारे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मार्केट के अंदर। TTML शेयर को ओपन करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि इसका जो टारगेट होगा वो 14 रुपये 40 पैसा होगा, और सेकेंड जो होगा वो होगा 16 रुपये 20 पैसा। ठीक है फ्रेंड, पहले डे कैंडल सेट करता हूँ। ये देखिए, अभी ये 13 रुपया 95 पैसा पे है। मैं पहले इसे देखता हूँ ये हाई कितना। देखिए, ये ओपन हुआ था 13 रुपये 65 पैसा पे, लो बनाया 13 रुपये 30 पैसा, और उसके पिछले ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग था 13 रुपये 30 पैसा, हाई लगाया 13 रुपये 95 पैसा, और ये अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। अब देखिए कि टेक्निकल इंडिकेटर और चार्ट्स क्या कहते हैं। तो मुझे जैसा दिख रहा है वो इसका पहला जो टारगेट होगा वो 14 रुपये 40 पैसा ही होगा, और सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 16 रुपये 20 पैसा। ठीक है फ्रेंड, और कल मुझे लगता है ये यहाँ से पैसा रिवर्स होने वाला है, मतलब गिरने वाला है नीचे, पक्का है। अभी तो कुछ दिन डाउन चलेगा ही चलेगा, और तो कल जो लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे 13 रुपये पे, जो लोग फंसे हुए थे यहाँ पे 13 रुपये पे, 13 रुपये 90 पैसा, 13 रुपये 60 पैसा, यहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए थे, वो यहाँ पे इसे एग्ज़िट करके अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग लेके बैठे हुए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें 50% की रिटर्न मिलेगी, वीकली कैंडल यही बता रहा है। ठीक है, वीकली कैंडल का पहला टारगेट जो है वो होगा 19 रुपये 75 पैसा का, और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 12 रुपये 90 पैसा का, 12 रुपये 90 पैसा का स्टॉप लॉस होगा इसमें वीकली कैंडल पे। और वीकली कैंडल पे इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 19 रुपये 75 पैसा का, 19 रुपये 75 पैसा का। ठीक है फ्रेंड, और डे कैंडल पे मैंने आपको बता दिया है पहला जो टारगेट होगा 14:40 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 16:20 का होगा। इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 12:20 का, 12:20 का, और सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 10:40 का। ठीक है फ्रेंड, और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इसे थोड़ा डीपली बताइए, तो फ्रेंड मैं बस सिर्फ चार्ट ही पढ़ता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, और मुझे चार्ट देख के ही समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता हूँ और ना अपना टाइम बर्बाद करता हूँ। मगर मैं फिर भी अगर मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ तो मैं बस फंडामेंटल में लो और हाई देखता हूँ। तो देखिए, इसका जो 52 वीक का लो है वो 2 रुपये 10 पैसा है, और 52 वीक का हाई जो है 22 रुपये 80 पैसा है, और ये ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, मगर फिर भी ये थोड़ा सा भी करेक्शन होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ईयर में 458% का रिटर्न दे चुका है एक साल में, और 1 मंथ में इसने 3% का रिटर्न दिया है, 3% से ज़्यादा का रिटर्न है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको कोई भी शेयर का टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी जो फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे शेयर में फंसे हुए हैं, उनको मैं टारगेट बता के उन्हें अच्छे प्रॉफिट में निकलवा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।